बाहुबली इससे पहले आई थी उसने बहुत अच्छा किया था, सहरा आई उसने भी बहुत अच्छा किया, और ये एक और मूवी आ रही है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। सल्यूट है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कि उन्होंने बॉलीवुड में, जैसे बॉलीवुड में करोड़ों रुपया लगता है और इतना ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन वो इतनी अच्छी मूवीज़ नहीं बना पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है मुनीश। मैं हूं सुनील। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक साउथ इंडियन मूवी का टीजर। ये मलयालम मूवी है ममंगम, और इसमें मिमूटी जो है वो मेन एक्टर है, मेन लीड में है, और एम पद्म कुमार इसके डायरेक्टर हैं। तो देखते हैं ये टीजर और पोस्टर से, फिल्म के पोस्टर से, थंबनेल से बहुत ही ऐतिहासिक मतलब मूवी की जैसा फील आ रहा है। तो शुरू करके देखें इसमें क्या है। काव्या फिल्म कंपनी, ये हिंदी में है। यहाँ की यादें दिल से मिटाना असंभव है। यहाँ की एक अलग विशेषता है, अलौकिकताओं का एक अद्भुत नजारा, माँ मंगम का महान उत्सव। ओके, उत्सव है ये। गुलामों की तरह मरने से अच्छा है कि रणभूमि में रक्त बहाकर जो स्वाभिमान की रक्षा करे उसे योद्धा कहते हैं। मामा जैसा योद्धा ना कभी था, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। उनकी रफ्तार बाढ़ से भी तेज थी। वो इतनी ऊंची कलाबाजियां लगाते जिसकी ऊंचाई मापना असंभव था। ये तो वायर थी भाई। क्या जंप थी ना, एकदम उछल के उसके सिर पे पैर रख के। दोस्तों, एक और हिस्टोरिकल मूवी आ रही है, एक और बड़ी मूवी आ रही है, बड़े सेट और बड़े म्यूजिक, एक लाउड म्यूजिक के साथ। ऐसी ही मूवीज़ जो बाहुबली इससे पहले आई थी उसने बहुत अच्छा किया था, सहरा आई उसने भी बहुत अच्छा किया, और ये एक और मूवी आ रही है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। तो साउथ इंडियन मूवीज़, साउथ इंडियन डायरेक्टर्स फॉर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छा कर रही है। मतलब सल्यूट है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कि उन्होंने बॉलीवुड में, जैसे बॉलीवुड में करोड़ों रुपया लगता है और इतना ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन वो इतनी अच्छी मूवीज़ नहीं बना पा रहे हैं। मुझे लगता है बॉलीवुड वालों को मज़े लेने की आदत पड़ गई है, वो मज़े ज़्यादा ले रहे हैं, सिर्फ लव और अफेक्शन इन्हीं चीज़ों के पर मूवी बनाते हैं, कॉमेडी मूवी बनाएंगे, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। और साउथ इंडियन मूवीज़, साउथ इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह बॉलीवुड को टेक ओवर कर रही है और कर लेगी थोड़े टाइम में। और जिस हिसाब से टीजर है उस हिसाब से ममंगम फेस्टिवल है कोई उनका, और वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में एक योद्धा था और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बाण से भी तेज। और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहुबली हुई थी या फिर आपकी मगधीरा थी और सही कलर्स उस मूवी के जैसे है, म्यूजिक उस मूवी के जैसा है, बैकग्राउंड स्कोर जो है, फील जो है, सेट जो है, एक रोल प्ले है, एक हीरो का रोल प्ले है कि हाँ उसकी हिस्ट्री बताई जा रही है पूरी की, यानी बिल्कुल फाइट सीन एक और एक्शन जो है वो भरपूर है इस मूवी में। और इसके साथ साथ मतलब बॉलीवुड वालों को ये बहुत अवेयर होके चलना पड़ेगा, कुछ मूवीज जैसे बाला, स्त्री, फिर ड्रीम गर्ल, ये आयुष्मान खुराना की जितनी मूवीज़ आई हैं वो मूवीज़ थोड़ा लो बजट में अच्छा कर रही हैं, उसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन अगर आप वैसे देखें जो बड़ी मूवीज़ बनाने की ताकत है वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी मूवीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही ज़्यादा बजट लगा के भी, और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बड़ा बजट लगा रही है और बड़ी फिल्म्स बना रहे हैं, अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो पूरी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसको साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड ये सारा पैसा खा जाएंगे और बॉलीवुड वाले तकते रह जाएंगे अगर उन्होंने बहुत जल्दी चेंज नहीं किया अपने स्ट्रेटजीज को लेके।
और बात करें इस ट्रेलर की, तो ये मान लो टीजर की, तो इस टीजर में बहुत कुछ दिखाया गया कि यानी एक योद्धा की पूरी कहानी बताई गई है और एक फेस्टिवल के बारे में कि यानी फेस्टिवल थ्रेडेड कुछ उस योद्धा की फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं, कुछ वॉर की वो दिखाई गई, हिस्ट्री भी दिखाई गई है। तो बाकी तो ट्रेलर आने के बाद पता लगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो दोस्तों ये ट्रेलर हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है और ये लगता है कि ये मूवी भी जो सायरा और बाहुबली ने करके दिखाया वैसा ही कुछ करके दिखाएगी। तो आपको क्या लगता है इस मूवी के, इस ट्रेलर भी नहीं ये टीजर था, इस टीजर के बारे में आपको क्या लगता है ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और साथ ही इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, देखें इस वीडियो को। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।